हजरत मोहतरम, अभी आज जुमे का दिन है, अभी जुमा भी पढ़ना है। मुफ्ती उमर साहब तशरीफ लाए अचानक ही कि भाई ये शोर मचाया हुआ है, बनियों के जितने चैनल हैं और जितनी इनके ब्रॉडकास्ट हैं कि मौलाना अहमद लाट ने कह दिया, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लिहाजा मौलाना ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया, भाई मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, जिससे मेरी बात पर एतमाद हो माने, ना हो ना माने। और वाकई है कि हम अल्लाह के मुजरिम हैं, हमें जो काम करने चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं। यूरोप में कितने मुसलमान हैं, इन गरीबों तक हमने ना तौहीद पहुंचाई, ना रिसालत, ना आखरत। हालांकि देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़ा फलसफी और बहुत बड़ा अदीब और स्कॉलर था, 100 साल पहले कह चुका था, इस्लाम वाहिद मजहब है जो अकल और साइंस के मुताबिक है। ये ऐसा मजहब है कि अगर उसको मान लिया जाए तो ना अकल को छोड़ने की जरूरत है, ना साइंस को छोड़ने की जरूरत है। और मैं देख रहा हूँ कि इस्लाम एक सैलाब करेला बनकर यूरोप में दाखिल हो रहा है और मुस्तकबिल का मजहब इस्लाम ही होगा, लेकिन हमने इस्लाम के तारुफ के लिए क्या किया? इन्होंने किया वो तो आप जानते हैं, मैंने पहले कई मरतबा बयान कर चुका हूं। आज नहीं, हजरत थानी रहमतुल्लाह, आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये जो अलीगढ़ का शेरवानी खानदान है, साहेब इल्म, जिनके बारे में मैंने अर्ज किया था, हजरत गंगोई के हुक्म से जब देवबंद में ताला डाल दिया गया, ये मौलवियों के आपस में झगड़ों की वजह से। तो दो आदमियों का नाम हजरत गंगोई के सामने आए, एक शेरवानी साहब, उस दौर के जो आज शेरवानी के दादा या परदादा, कि वो मुंतजिम है, उलमा से गहरा ताल्लुक रखते हैं, बहुत काबिल आदमी है। आज उनकी पड़ पोती खानम शेरवानी आज वहां पर मीडिया पर जो कारनामे अंजाम दे रही है, जो तहकीकात पेश कर रही है इस्लाम की और कुफ्र के जो कमजोरी की, कोई आलिम नहीं कर रहा। 10 दारुलमों से ज्यादा उसका सवाब मिलेगा। तो हमें जो काम करना चाहिए था हमने यहां भी नहीं किया। इनका यह हाल है कि हजरत थानवी के दौर में वो जो शेर आए वो हजरत थानवी से ताल्लुक रखते थे, तो बहुत मोतबत थे इनके भी बज़ाहिर। तो इन्होंने एक ऐसी जगह लेकर गए, चलो तुम्हें ऐसी जगह दिखाते हैं। वो परेशान थे, कोई अल्लाह वाले नहीं देखे यहां पर, कोई खानकाह नहीं देखी, कोई दीन का मजार, उस जमाने की बात है 100 साल पहले की। अब वो लेकर के दूर किसी कस्बे में, वहां देखा शानदार दारुलूम है, कहीं दर्स कुरान हो रहा है, दर्स हदीस हो रही है, जहाँ फिका की बहस हो रही है, मुख्तलिफ शोबे उलूम के। वो हैरान रह गए, इतना ऐसा अच्छा दारुलूम। तो पता चला ये चलाया जा रहा है इसलिए कि ऐसे लोग तैयार करके मुसलमानों में भेजे जाएं, जो मुदरसी बने, हरम के मुदरिस बने, हरम के इमाम बने, बैतुल मुकद्दस में जाएं, सब जगह। और किया उन्होंने उस दौर में, आज भी कर रहे हैं। मुझे इसका शौक है, यूरोप के किसी मुल्क में आप चले जाएं, जो मिशनरियां हैं इस तरह पर वो काम कर रही हैं कि दुनिया के हर जबान के माहरीन, बंगालियों से अच्छी बंगाली बोलने वाले, अरबों से अच्छी अरबी बोलने वाले, हमसे अच्छी उर्दू बोलने वाले बेशुमार लोगों तैयार कर रहे हैं। और हमने 150 साल में मदरसों में किस जबान का था, यानी हमने हिंदी के तैयार नहीं किए, इलाकाई जबानों को तैयार नहीं किए, अरबी इंग्लिश तो दूर की बात है। एक और छोटी सी बात याद आ रही है, अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है लाइबेरिया, उसका कैपिटल है मनोरिया, 10 लाख आबादी का मुल्क है। मिशनरियों ने वहां पर 5,000 ऐसे लोग तैयार किए जो वहां की मकामी जो साहेली जबानें, 6 जबानें हैं, उनके भी माहिर थे, और चुपचाप बसा दिया वहां जाकर। अब वहां के मौलवी उलमा समझदार थे, उन्होंने उनको कॉन्फ्रेंस सेमिनारों में उलझाया कि भाई हर पहलू पर बहस करते हैं कि दफन का तरीका इस्लाम में क्या है, ईसाइत में क्या है, शादी का तरीका क्या है, इबादत का तरीका क्या है, इसका तरीका उसका तरीका।
यहां तक 5,000 जो मुबल्लिग बनकर गए थे ईसाई बनाने के लिए, 10 लाख या वो मुसलमान हो गए। काम के मैदान बहुत वसी है। आज यूरोप में जितने मजाहब आज तक थे वो सियासी मजहब थे, लेकिन इंसान आज रूहानी मजहब, दिल का तस्कीन वाला मजहब चाहता है, तो वो हम पहुंचा नहीं सके, हम अल्लाह का मुजरिम है। तो मर्ज कर रहा था ये जो बातें मौलाना अहमद लार साहब ने कही है, देखिए एक उसूली बात है, कहावत मशहूर है, गवाह और सबूत निकाह के होते हैं जिना के नहीं। बंद कमरों में क्या साजिश होती है, कुरान में बार बार हुजूर अल्लाह बता रहे हैं कि ये क्या क्या चेमगोया करते हैं, आपके खिलाफ क्या क्या स्कीमें बनाते हैं, साजिशें मारते हैं, वो तो कभी नहीं मानते थे। और न ये इन्होंने गुज़श्ता निस सदी में जो कुछ किया मौलाना साहब के बाद से, किसी एक जुर्म को कबूल किया इन्होंने, वो तो अल्लाह साबित करता है, इतना तो मानते हो ना। आज किसी शुराई पाकिस्तानी को पूछ लो अमीर कौन है, एक ही नाम मौलाना एहसान, इश्तिहारात पर है अमीरुल आलम। किसी शुराई बंगाली से पूछ लो, एक ही नाम कारी जुबैर। किसी गुजराती से पूछ लो, दीन के सबसे बड़े दाई दो ही नाम, इब्राहिम दौल और अहमद लाठ। तो जो एक मरकज था, अभी मुल्तान के बुजुर्ग ने पूरा फेसबुक पर गुज़श्त हफ्ते में डाला था, किसकी बात है, मौलाना सईद अहमद खान साहब के खतूत से, कि मरकज हमेशा निजामुद्दीन ही रहेगा। और याद रखो, अमीर की कोताही की वजह से मरकज से बदगन करेगा, बहुत बड़ा मुजरिम होगा। और अहादीस पेश की, एक तो कुरैश और अरब जो सबसे आला समझाना, अगर हवशी को बना दिया जाए, और वो भी गुलाम जो बहुत घटिया समझा जाता था, अब किस्मत जैसा बदसूरत छोटा सर हो तो भी उसकी इताअत करना, फासिक का तो भी इताअत करना, यानी फासिक की इताअत सरकारी हकामत में नहीं बल्कि नमाज भी उसके पीछे पढ़ना, कितनी ताकीद। और इस किस्म के जितने खतूत मौलाना सईद खान साहब के, 3 छप चुके हैं मेरे पास मजमूए, 3 उनकी खतूत के, ऐसे खतूत सारे इन्हीं के नाम है, इन गुजरातियों के। क्यों? क्योंकि हमेशा फितना अहले माल से आता है, पूरी तारीख 1400 साल, और दूसरा इनका फितना तो निस सदी पहले शुरू हो चुका था। इस तरह मुफ्ती जैनुलाबदीन ने बार बार, अभी वो उन्होंने बताया उनकी तहरीर, के खबरदार मरकज एक ही रहेगा, हमेशा एक रहेगा निजामुद्दीन, दूसरा कोई मरकज नहीं बनेगा। मुफ्ती साहब एक दबंग आदमी थे, भाई अब्दुल वहाब की तरह पर अगर वो मौजूद होते ना तो ये आलिम शूरा का फितना कभी नहीं शुरू होने देते। उनको बुरा बोला तो मौलाना भावलपुरी मोहम्मद अहमद भी कहते रहे, तुम फितीन हो, तुम फितना करने के लिए, इंतशार फहराने के लिए बदतरीन बनकर। लेकिन वो जब मुजरिम होता है तो बेहया भी होता है, खामोशी हंसकर सुन लेते थे। हाजी साहब भी हमेशा ये कहते हैं, जाओ निजामुद्दीन जाओ, मौत तक ये कहते रहे। और जिस तरह शूरा बनी, सबको पता है कमरे में बनी, वहां के जो अहले माल बनी है, और यहां गुजरात के अब्दुल वहाब साहब को मौलाना साद ने पहले दिन कह दिया था, हमारी शूरा बनी हुई है, हमें बाहर की शूरा की जरूरत नहीं। क्यों? ये नेशनलिज्म का दौर है, किसी पाकिस्तान को आप अमीर बनाओगे, हिंदुस्तान में लाख बहाने मिले काम को बंद करने के लिए, पहले वाले में कह दिया था। और आज साहब को इन्होंने इस तरह, इन दोनों जगह के बनियों ने मिलकर इस तरह ये क्या कर रहा था, हमने काम का बढ़ाने के लिए कुछ शूरा में आदमी डाले, शूरा बनाई है, बल्कि अक्सर उन लोगों को भी पता नहीं था जिनके नाम डाले थे शूरा में, बाद में पता चला। तो किस चीज को आप नजर आ रहा, आंखों से दिख रहा, सबूत आ गया कि 3 टुकड़े तो हो ही गए, वहां कारी जुबैर है, मौलाना एहसान, या मौलाना अहमद लाठ, या मौलाना इब्राहिम। तस्वीर का जब धागा टूट जाता है तो दाने इस कसरत से गिरते बिखरते हैं, पता नहीं चलता। एक ही मरकज था पूरी दुनिया का, अरब और अजम का, अफ्रीका और एशिया का, लेकिन इसको तोड़ा गया अपने गलत मकासिद के लिए। ये जो भगोड़े हैं, और मैंने अभी गुज़श्ता बयान में एक बात कही थी, मैंने मैंने कहा था मैं तो कल नहीं रहूंगा इतना बीमार, लेकिन आप देखोगे
आलमी अमीर यानी हजरत जी तीन हो गए, एक पालनपुरी का, एक उधरवी का और एक भरोचियों का। इसलिए कि असबियत किसी सतह पर नहीं रुकती है, जैसा कि मुल्की असबियत, एक मुल्क भारत है, पाकिस्तान है, सूबा या असबियत जैसे पाकिस्तान में सिंध है, बलूचिस्तान में क्या चल रही है आपस में, जिले या सतह पर, हत्ता के नीचे आके गांव बिरादरी की सतह पर यहां नजर आता है। सूरत भरोच एक के बीच में एक नदी बहती है, जबान भी एक है, कौम भी एक है, माशरत भी एक है, लेकिन यहां पर सूरतों की मस्जिद में भरोची ट्रस्टी नहीं बन सकता, भरोचियों के कब्रस्तान में सूरती दफन नहीं हो सकता। ये नहीं, यानी अफ्रीका में मैं देखा, साउथ अफ्रीका में जो तीन नस्ल पहले गए और जो बाद में गए, उन और यहां पर भी जो ये एक ही गांव के लोग हैं, एक ही जिला, एक ही गांव के, जो डायरेक्ट सूरत से यहां पर आए और जो मलावी वगैरह अफ्रीका होते हुए गए, इन दोनों में जैसा हिंदू में होता ना, ऊंची जात नीची जात, ब्राह्मण शूद्र, इस तरह पर है, यह असबियत कहीं रुकेगी नहीं। और हिंदुस्तान के दूसरे सूबे ने कौन सा कसूर किया भाई? अब तो रास्ता हर एक ले खुला है, हर सूबे वाला, हर जिले वाला, हर गांव वाला, हर बिरादरी वाला एक अपना अमीर आलम बना ले, हजरत जी बना ले। तो ये जो रास्ता खोला है इन लोगों ने, उसका फसाद इंशाल्लाह जल्दी सामने आ जाएंगे, सारे सबूत भी सामने आ जाएंगे। तो मार्क्स कर रहा था बाहर वाला नेशनलिज्म का दौर है, हर मुल्क अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। तो बाहर का कोई आदमी अगर हिंदुस्तान के किसी खानदान से जुड़ सकता था तो मौलाना इलियास का खानदान था। 250 साल कुर्बानियां, कैसे कैसे अफराद मैं बयान कर चुका हूं बार बार। इस खानदान को बीच में हटा दो तो कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ बाहर वाले आदमी क्यों जुड़ेगा भाई, कौन से सुरखाब के पर्दों में लगे हुए हैं। मौलाना इस्माइल झंझानवी रामतल है, मैं अर्ज कर चुका, देवबंद भी आज उन्हीं का दोबारा ताला डालने के बाद इन्होंने शुरू किया, तो उसी की बरकत से चल रहा है। मैं झंझाना जाता रहता हूं, मियाँ जी नूर मोहम्मद हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अल खलीफा वहां पर है, और बड़े बड़े काबरी ने वहां लोगों ने बताया कि देखो ये हवेलियां मौलाना इस्माइल झंझानवी, यानी हवेलियां बड़ी बड़ी मकान नहीं। और जब लोग मौलाना इलियास के पास आए, इतना लिख दो कि मैं उनका बेटा हूं और तुमको इजाजत देता हूं, सारी कागजात केस लड़के सब कुछ करके आपके कदमों में रख देंगे। फरमा देखो अल्लाह का दीन मिट रहा है, सुन्नतें मिट रही हैं, लोग इस्लाम से मुर्तद हो रहे हैं, आइंदा कभी मेरे मकान के लिए मत आना, आना है तो दीन में वक्त लगाने के लिए आना। ये इस्माइल झंझानवी रहमतुल्लाह जिन्होंने 80 बड़ी बड़ी हवेलियां मुड़कर नहीं देखा उसकी तरफ, अल्लाह के लिए छोड़ा, उन्होंने इतनी सी मस्जिद उन हवेलियों के सामने एक कोने में आ जाएगी। उस जमाने में जो मस्जिद बंगले वाली थी और जो थोड़ी सी जगह थी, उसमें अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि वक्फ औलाद करे, क्योंकि अल्लाह तो जानता था बाद में ऐसे कम वक्त आएंगे, ऐसे गासिब आएंगे, ऐसे उस पर पंजे गाड़ने वाले आएंगे छीनने के लिए, अल्लाह को तो पता था ना, अल्लाह ने उनसे करवाया। और सबको पता है, जानने वाले जानते हैं कि किस तरह इन्होंने करोड़ों रुपये खर्च किए, औकाफ वालों को भी कि कागजात हमें हमारे नाम किसी तरह पर हो जाए, वहां के इंतजामिया पुलिस वालों को भी कि मौलाना साहब को किसी तरह एक बड़ा गिरफ्तार कर लो। और अभी भी सिफरम कुराची जो वकील हैं दिल्ली के, वो बताते हैं भाई मौलाना साहब को चाबी क्यों नहीं मिल रही, कि ये लोग रुकावट डाले हुए, कि चाबी नहीं, रुकावट डालो, ताखिर पर ताखिर करोड़ों रुपये खर्च, इनके पास बहुत पैसा है माल वालों के पास, अभी भी सारा ये कर रहे हैं। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह मोताला जो हमारे खास उल खास दोस्तों में थे, उनका बयान आपने सुना होगा कि जब मौलाना हारून रहमतुल्लाह अलिया ने रो करके अब्बू जान जो है मुझे नाम बता दो उनके, मैं बद्दुआ करना चाहती हूँ, मेरे शोहर को इस तरह पर जादू और सहार और क्या क्या करके हलाक किया है, शहीद किया है, हमारे शेख मरम बेटी इसमें मत लगाओ।